स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साहित्य शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस में। तो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा झारखंड GDS रिजल्ट 2021 कब तक आएगा और आपको कैसे चेक करना है, और सबसे मेन बात आपकी इंपॉर्टेंट आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी रहती है। तो वीडियो के साथ बने रहे, आगे जितने भी GDS हैं तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, झारखंड सभी के लिए अपडेट लेके आऊँगा। को चैनल के साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले फॉर द लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो देख लीजिए, अब बात कर लेते हैं GCG झारखंड आपका ये बात करते हैं छत्तीसगढ़ GDS रिजल्ट 2021 का रिजल्ट डेट क्या है। तो आपको पता है छत्तीसगढ़ रिजल्ट का जो आपकी जो ऑनलाइन फॉर्म वो अप्लाई हुए थे अभी 2 मंथ पहले, ठीक है, 2 मंथ हो चुके हैं आपको अप्लाई किए हुए। अब बात करते हैं आपका रिजल्ट कब तक आएगा, ठीक है। तो टोटल वैकेंसी देख सकते हैं आप 1137 वैकेंसी है, और आपका जो रिजल्ट निकलेगा वो ऑनलाइन PDF से निकलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं रिजल्ट आपकी जो कट ऑफ वो कितनी रहेगी। कट ऑफ को देख लेते हैं आप, PWD के लिए रहेगी 71, ST के लिए 76 to 82, SC के लिए 75 to 80, OBC के लिए 78 to 82, जनरल के लिए 86 to 90। ये आपकी ऑफिशियल कट ऑफ रहेगी जो सभी कैटेगरी के लिए और सभी GDS के लिए सेम रहती है। अब बात करते हैं आपको रिजल्ट कैसे चेक करना है। रिजल्ट चेक करना आपको बहुत इजी होता है। आपको क्या करना है, आपको गूगल पर टाइप करना है ओनली GDS, ठीक है। गूगल पर आपको टाइप करना है GDS और छोड़ देना है। GDS टाइप करते हैं आपके पास ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा जो ऑफिशियल वेबसाइट है ऐप पोस्ट, मतलब आपके जो इंडियन पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट, उस वो आपको इंटरफेस खुल के आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको GDS पर क्लिक करना है और ऑफिशियल वेबसाइट में आप रीडायरेक्ट हो जाओगे, ठीक है। तो ये है GDS की ऑफिशियल वेबसाइट। जब भी आपका रिजल्ट आएगा तो यहाँ पर रिजल्ट रिलीज्ड के सेक्शन पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर आपका लिखा आ जाएगा छत्तीसगढ़, और आप यहाँ से अपना PDF जो डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं रिजल्ट डेट की। तो देख सकते हैं छत्तीसगढ़ रिजल्ट के आने से पहले पहले कौन से अंडर प्रोग्रेस में है, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, तेलंगाना, नॉर्थ ईस्ट और झारखंड। तो मतलब आपका रिजल्ट अभी आने की कोई उम्मीद में नहीं है। आपका रिजल्ट मैक्सिमम मई मंथ में नहीं आएगा, आपका रिजल्ट जून मंथ में आएगा, क्योंकि मई मंथ में अभी तक 4 से 5 रिजल्ट डिक्लेयर होने हैं, ठीक है। सबसे पहले आपका झारखंड का रिजल्ट डिक्लेयर होगा, उसके बाद आएगा आंध्र प्रदेश, दिल्ली, तेलंगाना, नॉर्थ ईस्ट, सबसे लास्ट में है केरला और छत्तीसगढ़। आपका रिजल्ट मैक्सिमम जून या जुलाई मंथ में डिक्लेयर हो गए, मेरे ख्याल से जून या जुलाई, जून में आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, ये 100% है, परंतु अभी मई महीने में आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपके कट ऑफ के, जो मैंने आपको पहले बता दी, रिजल्ट चेक कैसे करना है वो मैंने बता दिया, ठीक है। चैनल के साथ बंद है, जब भी आपका रिजल्ट आएगी कोई न्यू नोटिफिकेशन आएगी तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।